हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले पांच ऐसी ऐप्स के बारे में जो हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाई है और इसे हमें इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो फर्स्ट ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप को कुछ महीने पहले ही बनाया है टू फाइट एंड प्रोवाइड अस इन्फॉर्मेशन अबाउट कोविड-19। जी हाँ, आरोग्य सेतु में 100 मिलियन के ऊपर सारे यूजर्स है। आरोग्य सेतु को 100 मिलियन के ऊपर लोगों ने डाउनलोड किया है, तो जिसने अभी तक नहीं किया है उसे कर लेना चाहिए। ये ऐप 11 भाषाओं में आपको बनाया गया है और डेवलप किया है बाय मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द गाइडेंस ऑफ NIC। अपने स्मार्टफोन की लोकेशन डेटा एंड ब्लूटूथ के द्वारा इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। आसपास में 500 मीटर्स में, 1 किलोमीटर में या 5 किलोमीटर में कितने लोगों ने खुद को टेस्ट करवाया, वो भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते। ये ऐप से आपको ये भी पता चलेगा कि आप कोई कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हो। सेकेंड ऐप है भीम UPI ऐप। इसको डेवलप किया है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। भीम UPI को दिसंबर 2016 में ही बनाया गया है। भीम UPI को बनाया है टू मेक इंडिया कैशलेस। जी हाँ, कैशलेस पेमेंट्स कर सकते हैं हम सारे रेंज ऑफ सर्विसेज के लिए। इसके द्वारा आप बड़े से बड़े या छोटे से छोटे स्टोर्स में भी आप पेमेंट्स कर सकते हो विदाउट हैविंग कैश। थर्ड ऐप है उमंग ऐप। उमंग ऐप एक ऐसा ऐप है जिसको मैं वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर 600 सर्विसेज बताऊंगा। जी हाँ, मेजर सर्विसेज ऑफर्ड बाय सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आधार कार्ड, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, PF वगैरह वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये उमंग ऐप में मिलेगी। चौथी ऐप है आयुष संजीवनी। इसे कुछ महीने पहले ही बनाया है। इसको डेवलप किया है मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, दोनों ने कंबाइन करके। और इसका एम है टू हेल्प जनरेट डेटा ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ यूसेज ऑफ आयुष एडवोकेसीज एंड मेजर्स अमंग द पॉपुलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। ये सारी ऐप्स जो बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि हम वी कैन फाइट कोरोना वायरस। फिफ्थ ऐप है जन औषधि सुगम ऐप। जी हाँ, आपने नाम तो सुना ही होगा और नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हो। ये हमें डिटेल्स बताते हैं अबाउट जेनरिक मेडिसिन और उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। जो हमारे नॉर्मल मेडिसिन होते हैं साथ आप इसको जेनरिक मेडिसिन को कंपेयर कर सकते हो। ये हमें दूसरे मेडिसिन से बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस में मिलते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में आपको सारी मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगी और ये पूरे देश में है। ऐप के द्वारा पता कर सकते हो कि कहाँ कहाँ इसके केंद्र है और कहाँ कहाँ से आप ये मेडिसिन प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो पांच ये ऐप्स हैं जो आपको मस्ट डाउनलोड करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।